आरटीआई को सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आईएमएफ को खत लिखने पर निगरा वज़ीर-ए-आज़म का बरहमी का इजहार। निगरा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आईएमएफ को खत लिखने पर पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आईएमएफ को खत लिखना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। इंतखाबी मामलात का फोरम आईएमएफ नहीं है, पीटीआई को इसकी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि बैरूनी कुव्वतों के सामने सरेंडर न करना उनका बयानिया है। इस वक्त मुस्बत अंदाज में बात हो रही है, उम्मीद है $6 अरब के लिए आईएमएफ से बात हो जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अदालतों की इज्जत और उनके सामने सरेंडर करना चाहिए। जज ने लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से निगरान हुकूमत की कोशिशों को सराहा। दूसरी जानिब नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई का आईएमएफ को खत साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।